बस्मिल्लाम अजीज तलबालबात असला आज हम थ्यूरी ऑफ ऑटोमेटा का ट्वेंटी नाइन्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे इससे इसे के आज का लेक्चर स्टार्ट करें आइए गुजश्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नजर हो जाए सो वही रिक द लास्ट लेक्चर लास्ट टाइम वही डिस्कस टू एग्जाम्पल्स ऑफ माई हिल निरथेरम हमने दो एग्जाम्पल डि की एक लैंग्वेज की और दूसरी द लैंग्वेज ऑफ स्टेंगस डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए बी एंडिंग इन आई दर ए बी और बी ए और बेसिकली इसका मकसद यही था कि जो क्लेम हमने माई हिल निरोथेरम के सिलसिले में किया था और वो ये था कि इफ अ लैंग्वेज पार्टीशंस सिगमा स्टार

हमने दो एग्जाम्पल्स और देखी और एग्जैक्टली exactly मैंने इवन इवन लैंग्वेज केस में दो क्लासेस को आपको डिटेल के साथ मैच करवाया उनकी स्टेंग और उनके एंडिंग पार्ट के लिए कि वो जो किस स्टेट पर वो एंड होती है तो यही हमारा टारगेट था इसको प्रूव करने के लिए तो वो हमने टेस्ट किया और बाकी दो स्टेट्स के लिए मैंने आपको कहा कि आप खुद से टेस्ट करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में आपको बताया था ये मार्टिन मेथड से जो हमने एफए बनाया था उसको सामने रखकर हमने इसकी क्लासेस बनाई और फिर इसके इक्वल्ट एक और एफए बना दिया और एक नोट मैंने बड़ा स्पेशल नोट आपको बताया लास्ट टाइम कि इफ यू आर गिवन एन इनफिनिट रेगुलर लैंग्वेज डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू माइ हिल निरोम इट विल पार्टीशन सिगमा स्टार इन फाइनाइट मेनी डिस्टेंट क्लासेस अब अगर फाइनाइट मैनी डिस्टिंग क्लासेस बन सकती हैं, उसकी पार्टीशन हो सकती है सो विल बी है सेम नंबर ऑफ स्टेट्स एज मेनी डिस्टिंक्ट क्लासेस वी कैन हैव लैंग्वेज। और जब अगर उसके इक्वलेंट कोई एफए अगर हमें मिल जाता है तो उस एफए की हर स्टेट एक क्लास इंट्रोड्यूस कराएगी तो अब इक्वलेंट एफ के नंबर ऑफ स्टेट प्रीवियस एफ डिफरेंट है सो इट मीन दैट इफ एन इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज कैन पार्टिशन द गिवन सिग्मा स्टार इन टू फाइनाइट मैनी स्टेट देन इट कैन पार्टीशन सिग्मा स्टार इन टू समर नंबर ऑफ फाइनाइट मैनी क्लासेस जो जो हमने क्लेम किया इस एग्जाम्पल से बाद में हमने क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेजेस की बात की उसकी डेफिनेशन दी कि किस तरह डिफाइन करते हैं सिंस वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू लैंग्वेजेस सो कैन वी डिफाइन क्वेश्चन ऑफ टू लैंग्वेजेस तो उसको भी हमने अच्छी तरह से देखा और उसमें एक प्रॉब्लम था कि द टू लैंग्वेज इज नॉट यूनिक एनी हाउ हमने ये क्लेम किया कि एवर द डेफिनेशन इज विल स्टिल चेक वेदर द क्वेश्चन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज स्टिल रेगुलर सो द क्लेम वाज़ नॉट ट्रू एंड वी डिसूव दिस एंड वी कॉल दैट थियरम टू बी स थियरम बिकॉज द क्लेम वॉज नॉट ट्रू उसके बाद हमने Uh, मजीद ये देखा अभी मैं बात कर रहा था कि हमने सीडोथिरम को डिसप्रूव किया और उसकी एक एग्जाम्पल हमने देखी तो इस एग्जाम्पल में हमने एक रेगुलर लैंग्वेज ली और P और Q वाज नॉन रेगुलर लैंग्वेज और इनकी प्रोडक्ट जो हमें नजर आई लास्ट टाइम दैट वाज A स्टार B स्टार और फिर हमने Q को डिसप्रूव किया कि दिस इज नॉट रेगुलर और हम ये क्लेम कर सके कि वी हैव अ काउंटर एग्जाम्पल शोइंग दैट क्वेश्चन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर उसके अलावा हमने प्रीफिक्सेस ऑफ अ लैंग्वेज की बात की और प्रीफिक्स के सिलसिले में यह भी बताया गया कि अगर कोई लैंग्वेज हमें दी गई है सपोज Q, एंड वी आर गिवन अदर लैंग्वेज आर एंड वी आर इंटरेस्टेड इन डिफाइनिंग लैंग्वेज प्री ऑफ क्यू इन आर

और कैन बी स्पोज टू बी पार्ट ऑफ प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा बताया और हमने एक एग्जांपल भी देखी थी और उस एग्जांपल में हमने प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर डिटरमिन की थी और मैंने ये भी मैं चाहूंगा कि आप उस एग्जांपल्स को खुद से भी दोबारा टेस्ट करें और जो क्लेम किया जा रहा है क्या वो ट्रू है जिस तरीके से हमने डिफाइन किया उस एतबार से दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्ट्रेंग क्यू की कोई स्ट्रेंग आर में एस सच मौजूद हो तो वो स्ट्रिंग प्रीफिक्स डिफाइन करती है और प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर में नल स्ट्रिंग आ जाएगी क्योंकि आप नल स्ट्रिंग उसके शुरू में लगा सकते हैं और आर की स्ट्रिंग मिल जाएगी एंड लास्टली देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू डज नॉट कंटेन एनी स्ट्रेंग का मतलब यह है कि क्यू की कोई भी स्ट्रिंग आर की किसी भी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर नहीं आ रही ना ही वो खुद मौजूद है नहीं किसी स्ट्रेंग के एंडिंग पार्ट पर आ रही है और इस बार से प्रीफिक्सेस ऑफ Q in R एम हो जाएगी तो ये हमने प्रीफिक्सेस ऑफ लैंग्वेज के सिलसिले में बात की थी उसकी हमने एक एग्जांपल भी देखी थी तो हम चाहेंगे कि इसकी मजीद एग्जांपल देख लें डियर स्टूडेंट प्रीफिक्सेस ऑफ Q in R की मजीद एग्जाम्पल भी आज देखेंगे सो दैट एग्जाम्पल बेसिकलीफरेंट फ्राम वट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और जो पहले एग्जाम्पल की थी वो बड़ी फाइनाइट लैंग्वेज uh, थी क्यू और आर भी फाइनाइट थे बड़ी आसानी के साथ कंपेरिजन किया जा सकता था लेकिन आज की जो एग्जाम्पल हम देखेंगे उसमें uh, जो लैंग्वेज है एक इंफेनिट uh, होगी और एक लैंग्वेज आपको दिखाई जाएगी आप बारी बारी उसको टेस्ट करेंगे गिवन लैंग्वेज के स्टेंगस को और देखेंगे कि वो आर uh, की किसी स्टेंग के एंड में आ रही है या नहीं तो आइए उसको देख लेते लेट क्यू एंड आर बी एक्सप्रेस बाय ए बी स्टार एंड बी ए होल स्टार रेस्पेक्टिवली यानी इन दोनों लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन से सेपरेटली दिखा दिया गया क्यू के लिए ए बी स्टार ए और आर के लिए बी ए होल स्टार द क्यू विल बी कंसिस्टिंग ऑफ डबल ए ए बी ए ए डबल बी ए एंड सो ऑन दैट इज ए नेक्स्ट स्ट्रेंग विल बी ए ट्रिपल बी ए एंड आर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ नल स्ट्रिंग बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए थ्री टाइम्स बी ए और इसी तरह से हम आगे जा सकेंगे अब देखना यह है कि क्यू में कौन कौन सी स्ट्रेंग हैं जो आर की स्ट्रेंग्स के एंड पर आ सकती हैं इसके लिए आपको Q की स्ट्रेंग्स पे भी गौर करना होगा और R की स्ट्रेंग पे भी तो पता ये चलता है कि जो Q की जो स्टेंग हैं उसमें डबल A है ए बी ए है ए डबल बी ए इस तरह से स्टेंग आ रहे जबकि R में जो स्टेंग हैं उसमें आपको डबल लेटर कहीं भी इकट्ठा नजर नहीं आएगा तो देखने से पता चलता है कि डबल A कहीं आपको किसी स्टेंग के R के किसी स्टेंग के एंडिंग पार्ट पर नहीं आ रहा सो इट विल नॉट हेल्प यू इन डिफाइनिंग प्रीफिक्स ऑफ क्यू इन आर द नेक्स्ट इज ए बी ए अब अगर आप ए बी ए को चेक करें तो जो थर्ड स्ट्रेंग है आर की उसके एंडिंग पार्ट पर आपको ए बी ए नजर आ रहा है और इस तरह से इससे बनने वाला प्रिफिक्स बी होगा यही स्ट्रेंग ए बी ए आर की नेक्स्ट स्ट्रेंग में भी एंडिंग पार्ट पर अकर कर रही है और उसका जो शुरू का पार्ट बच जाएगा दैट विल बी बी ए बी तो थर्ड स्ट्रिंग आर की आ, अगर देखें तो उसके एंडिंग पार्ट पर ए बी ए आ रहा है और जो स्ट्रिंग ए बी ए है उसके प्रीफिक्स बी बनती है और फोर्थ स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर ए बी ए आ रहा है और ए बी ए जो क्यू की स्ट्रिंग है इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स बी ए बी होगा यह सिलसिला जारी है तो ए बी ए आगे तमाम स्टेंगस के एंड पर आता चला जाएगा दूसरी बात ए डबल बी ए ए ए ट्रिपल बी एंड सोन ये स्ट्रग्स आर की किसी स्टिंग के एंड पर नहीं आ सकेंगी डियर स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में आपको खास टेक्निक सिखाई जा रही है और इतफाक से क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रिंग ऐसी मिल सकी विच वॉज ए बी ए जो आर की स्टिंग्स के एंड पर आ रही सो ए बी एज द ऑनली स्टेंग इज क्यू इट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ इन्फिनट मैनी स्टेंग तो इन्फिनिट मैनी स्टेंगस को किस तरह से चेक किया जाए लेकिन चूंकि इसका स्ट्रक्चर पता है इस लैंग्वेज का हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर आ रहा है जो नेक्स्ट स्टेंग आ रही है ए डबल बी ए ए ट्रिपल बी ए ए फोर बी ए इसमें रिपीट हो रहा है लेटर बी जबकि आर की किसी स्टेंग में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो यहां से भी हम कह सकते हैं हम डिसाइड uh, कर सकते हैं कि ए बी ए इज द ओनली वर्ड ऑफ क्यू विच हेल्प इन डिफाइनिंग प्रीफिक्सिस ऑफ क्यू इन आर आइए इस लैंग्वेज को देख लेते हैं ए बी ए इज द ओनली वर्ड इन क्यू विच इज विच कैन मेक अ वर्ड इन आर बिकॉज द वर्ड इन आर डू नॉट कंटेन द डबल लेटर दस प्रीफिक्सिस ऑफ क्यू इन आर

बी ए बी एंड सोन तो पता ही चल रहा है कि प्रीफिक्स ऑफ क्यू इन आर में पहली स्ट्रेंग बी थी दूसरी स्ट्रेंग से बी ही की मदद से लिखी जा सकती है इफ यू पुट बी ए बिफोर बी तो बी ए का इजाफा हो गया उसके शुरू में आप देख रहे हैं कि बी ए लिखा गया पहली स्ट्रेंग के अतबार से यानी बी से पहले बी ए लिखा गया और जो थर्ड स्ट्रेंग प्रीफिक्स ऑफ क्यू इन आर में नजर आ रही है वो भी बी के एतबार से देखी जा सकती है या प्रीवियस स्ट्रेंग से भी देखी जा सकती है राइट में आ, लेफ्ट में बी ए का इजाफा और हो गया तो चूंकि जो स्ट्रक्चर आर की है उसके एंडिंग पार्ट पर ए बी ए आता चला जाएगा और ए बी ए ही हेल्प करेगी आ, क्योंकि स्ट्रेंग प्रिफिक्स को डिफाइन करने की तो सिलसिला जारी हो जाएगा तो यानी जो नेक्स्ट स्ट्रेंग आएगी प्रीफिक्स क्यू इन आर फोर्थ स्ट्रेंग दैट विल बी बी ए बी ए बी ए बी एक बी ए का और इजाफा हो जाएगा लेफ्ट साइड पर सो वी कैन राइट वी कैन कंप्लीट दिस प्रिफिक्स ऑफ क्यू इन आर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बी एल स्टार और बी ए स्टार बी ए होल स्टार बी फॉलोइंग इज अ रिमार्क इन दिस रिगार्ड इट मे बी नोटेड दैट द लैंग्वेज आर कैन नॉट बी फैक्टोराइज विद द हेल्प ऑफ लैंग्विज prefixes of Q in R that is prefixes of Q in R into Q is not equal to R in general. However, the following theorem shows that the prefixes of Q in R is regular if R is regular no matter whether the language Q is regular or not. Dear students, Abhi jo remark ki baat ki बेसिकली ये फर्क है दो लैंग्वेजेस की प्रोडक्ट का और प्रीफिक्स का यहां मैंने का, आ, बताना चाहूंगा कि अगर आप दो लैंग्वेजेस को कन्केटिनेट करते हैं यानी एक लैंग्वेज P है दूसरी लैंग्वेज पोज Q है एंड यू कॉल दैट लैंग्वेज R तो इसका मतलब ये नहीं है कि P इज द प्री फिक्स ऑफ क्यू ऐसा नहीं है या P इज द प्री फिक्स ऑफ क्यू इन आर ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि ये तमाम जब आप कनकेटिनेट करते हैं दो लैंग्वेजेस को तो पहली लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग को दूसरी लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग से कंकटिनेट करते हैं सो so बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो लो है हमें सिर्फ एक स्ट्रिंग ढूंढना काफी है क्यू में जो आर की किसी स्ट्रिंग को जनरेट करती हो टू विद द हेल्प ऑफ सर्टन प्रीफिक्स तो वो इस तरह से जितने प्रिफिक्स मिलते चले जाएंगे वो उस लैंग्वेज का पार्ट बनेंगे तो यहां ये मैं बताता चलू कि प्रीफिक्सिस ऑफ क्यू इन आर और उसको क्यू के साथ आप कंकटिट कर दें तो दो लैंग्वेज बन गई सो दैट विल नॉट गिव यू आर ये प्रोडक्ट नहीं है कि डिकम्पोज कर दिया पहले पार्ट को प्रीफिक्स कह दें ऑफ क्यू इन आर ऐसा नहीं है तो दिस इज अन डिफरेंस और दूसरी बात हमने ये क्लेम किया है एक चिरम आर है जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रीफिक्सिस ऑफ क्यू इन आर इज रेगुलर इफ

and q is any any language whether regular or non regular then prefixes of q in r is regular so the proof is quite simple since r is regular language so there exists an fa that accepts this language now choose a state say s of this fa and see whether this state can trace out a path ending up in a final state while running a word from q if this state traces out a path ending up in a final state of any of the words of q we are having uh, we are writing here if this state traces out a path ending up in final state for any of the word of q mark this state with certain color डियर स्टूडेंट्स बेसिकली आपको एक मेथड बताया जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ एफए ए टू आर वी कैन बिल्ड एन एफए ए टू प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर तो जो पहला स्टेप बताया गया वो ये था कि एफए की किसी स्टेट से स्टार्ट लें आर के किसी जो उसका जो एफए है उसके किसी भी स्टेट से आप स्टार्ट लें क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज है उसका एफ एग्जिस्ट करता होगा तो किसी भी स्टेट से स्टार्ट करें प्रेफरेबली इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है और क्योंकि स्ट्रिंग्स को बारी बारी रन करें उस स्टेट से स्टार्ट करके बेसिकली यहां इनिशियल स्टेट का जिक्र इसलिए नहीं किया गया कि वी ऑलवेज रन स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्राम इनिशियल स्टेट टू टेस्ट वेदर स्टिंग इज एक्सेप्टेड और नॉट यहां ये यह टारगेट नहीं है यहां मकसद और है हमें तमाम स्टेट्स को बारी बारी लेना होगा और हमें यह देखना होगा कि क्यू की कोई स्ट्रिंग ऐसी मिल सकती है जो उस स्टेट से स्टार्ट हो और किसी फाइनल स्टेट पर एंड हो जाए अब इस लॉजिक को समझ लें बेसिकली अगर कोई नॉन इनिशियल स्टेट आपने इनिशियल से स्टार्ट ही नहीं किया रेंडमली किसी को स्टेट को पकड़ लिया वहां से आपने कोई क्यू की स्ट्रिंग ऐसी मिल गई जिसको स्टार्ट किया और आरके एफ ए की किसी फाइनल स्टेट पर एंड हो गई इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रिंग R की किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर आ गई क्योंकि शुरू का पार्ट तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा वहां तक आएगा और वहां उस स्टेट से क्यूंकी वो स्ट्रिंग R की फाइनल स्टेट पर ले जा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये इंडिकेशन मिल रही है कि क्योंकि वो स्ट्रिंग आर की किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर आ रही ये है टेस्ट करना यही बात मैंने आपको प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर डिफाइन करते हुए बताई थी कि आप क्यू की स्ट्रिंग को बारी बारी टेस्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि आर की किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर आ रही है या नहीं इफ इट तो एंडिंग पार्ट को छोड़कर जो बच गया वो प्रिफिक्स में चला जाएगा अब चूंकि हमने इसको रेगुलर के बारे में हम क्लेम कर रहे हैं कि प्रीफिक्सिस ऑफ क्यू इन आर इज रेगुलर सो देअर मस्ट बी सेट एन एफ ए तो अब इस प्रूफ को हम कंस्ट्रक्टिवली देख रहे हैं कि गिवन एन एफ ए कॉरस्पोंडिंग टू आर क्योंकि आर रेगुलर लैंग्वेज है तो उसकी मदद से ही हम कॉरस्पोंडिंग एफ ए भी बना सकेंगे और अगर एफ ए मिल जाएगा तो लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगी तो स्टार्ट में हमने रेंडम्स एक स्टेट ले ली क्योंकि इनिशियल स्टेट से तमाम तो तो स्टिंग स्टार्ट होती हैं तो वह कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है सो तो इसलिए हम जो स्टार्ट करेंगे ट विल बी रेंडम स्टेट किसी भी एक स्टेट से आप स्टार्ट करें और देखें कि क्यू की कोई स्ट्रेंग वहां से स्टार्ट होकर फाइनल स्टेट पर एंड होती है या नहीं डियर स्टूडेंट्स इस प्रोसेस का मतलब जो मैं बता चुका हूं वो यही है कि क्यू की वो स्ट्रेंग या कोई एक स्ट्रेंग भी अगर आपको ऐसी मिल जाती है जो किसी स्टेट से जिसको आपने अंडर प्रोसेस सिलेक्ट कर लिया है और वो फाइनल स्टेट पर एंड हो जाती है तो वो एक ऐसी स्ट्रिंग है जो प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर को डिफाइन करने में मदद दे रही है और ये स्टेट भी आपको उसके कोरोस्पॉग एफ के फाइनल स्टेट डिफाइन करने में मदद करेगी ये बाद में बताएंगे आपको कि स्टेट की क्या अहमियत होगी तो हमने तय ये कर लिया अभी सिर्फ इतनी बात कही थी कि अगर क्यू की एक स्ट्रिंग ऐसी मिल जाती है जिस स्टेट को आपने लेकर स्टार्ट किया क्योंकि स्ट्रिंग मिल जाती है जिसको स्टेट से स्टार्ट करें आर के किसी गिवेन एफ ए के किसी फाइन स्टेट पर एंड हो जाए उसको आप मार्क कर ले सो सिलेक्ट दैट स्टेट टू बी मार्क् स्टेट आइए देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है सो रिपीट दिस प्रोसेस फॉर रिमेनिंग स्टेट ऑफ द मशीन इफ एटलीस्ट वन स्टेट ऑफ दिस मशीन इज मार्क then it can be shown that the language prefixes of q in r is non empty now build a new fa with some marked states by considering the initial state of that of original fa and final states which are marked the machine thus obtained accept exactly the language prefixes of q in r thus prefixes of q in r being

एक से ज्यादा स्टेट्स मार्क हो गई तो ये वो स्टेट है जहां से क्यू के लिए आपके पास ऐसे स्टैंक मिल जाएंगी जो आर की किसी न किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर आती होंगी और अब हमने चूंकि प्रीफिक्सेस के लिए एफ ए बनाना हम उसको क्लेम कर रहे हैं तो हम गिवन एफ ही को यूज करेंगे उसकी ओरिजिनल जो ओरिजिनली जो इनिशियल स्टेट थी उसी को इनिशियल रखेंगे और जो मार्क स्टेट थी उनको फाइनल कर देंगे और जो पहले फाइनल थी अगर वो मार्क नहीं हुई तो उनका फाइनल स्टेटस खत्म कर देंगे तो इस तरह से जो भी एफ बनेगा दैट विल एग्जैक्टली एक्सेप्ट प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर आपको यही बताया जा रहा है कि कम से कम एक स्टेट का मार्क होना जरूरी है क्योंकि जो स्टेट मार्क होगी वही फाइनल होगी अगर कोई स्टेट मार्क नहीं होती तो कोई भी फाइनल स्टेट नहीं आएगी और किसी स्ट्रक्चर में अगर फाइनल स्टेट नहीं होगी तो वह कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यही बात हमने यहां क्लेम की थी अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इज इट पॉसिबल के सिर्फ नलस्टिंग ही इसका पार्ट बन सके यानी इनिशियल ही फाइनल हो सके सो द आंसर इज येस तो यह ये कब हो सकेगा इसका जवाब आप सोचें आपको भी जवाब मिल जाएगा आइए एक रिमार्क है वो देख लेते हैं द प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग वेदर अस्टेट ऑफ एफ एड बी मार्क्ट और नॉट वेन द लैंग्वेज क्यू इज इन्फिनिट इसकी वजह यह है कि अगर लैंग्वेज क्यू इन्फिनिट है तो समटाइम्स स्ट्रक्चर बता देता है कि आ, इस स्टेट के लिए कोई स्टिंग इस पे रन करते हुए फाइनल पर एंड हो सके या नहीं और बात किसी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इस, इस किस्म का आ सकता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड इफ द लैंग्वेज इज इन्फिनिट कि कोई स्टिंग ऐसी आ सकेगी या नहीं तो यहां एक प्रॉब्लम आ सकेगा इसके प्रूफ के सिलसिले में सो दिस प्रूफ जस्ट गिवस नॉन कंस्ट्रक्टिव मैथड

वेयर आर मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए आप ये जो एफ ए देख रहे हैं आपको याद होगा कि मैंने गुजस्ता एग्जाम्पल में ये लैंग्वेज भी ली थी और ये एफ ए भी आपको दिखाया गया था तो ये वही कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ए जो शॉर्टर नंबर ऑफ स्टेट्स uh, हमने ली है उनके साथ हमने इसको बनाया इट कैन बी ऑब्जर्वड दैट द स्टेंग ए बी ए फ्रॉम क्यू मेक द वर्ल्ड ऑफ आर एंड हेंस द स्टेट्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव कैन ईजीली बी मार्क्ड क्योंकि ए बी ए एक ऐसा असिस्टिंग है जो जहां से भी शुरू करें जिस स्टेट से भी शुरू करें आप उसको देख सकते हैं और ये इनको मार्क कर देगी इन तमाम स्टेट्स को और इस तरह से दस फॉर्म फ्रॉम द गिवन एफए, मेकिंग द स्टेट्स वन टू थ्री टू बी फाइनल एज वेल फोर फाइव ऑलरेडी फाइनल हैं उनको दोबारा फाइनल करने की जरूरत नहीं है द रिजल्टिंग एफ विल एक्सेप्ट द प्रीफिक्सिस ऑफ क्यू इन आर डी स्टूडेंट ये बड़ी सरप्राइजिंग और बड़ी ट्रिकी सी एग्जाम्पल आपको दे दी गई कि जिसमें प्रीफिक्स ऑफ क्यू इन आर का जो एफ ए बना उसमें ना सिर्फ उसकी ओरिजिनल फाइनल स्टेट फाइनल बन सकी बल्कि जो पहले फाइनल थी वही फाइनल हो गई तो इस एफ ए की तमाम स्टेट फाइनल हो गई और आप जानते हैं अगर किसी एफ ए की तमाम स्टेट फाइनल स्टेट्स बन जाए तो वो उस अल्फाबेट के तमाम स्टिंग को एक्सेप्ट करता है तो तमाम ही प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर बन गई और चूंकि इसमें e. देखा उसमें तमाम स्टेट्स फाइनल स्टेट थी तो सो वी क्लेम दैटिक्स क्यू इन आर एक्सेप्ट लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय ए होल स्टार आइए इसको मजीद देख लेते मोर ओवर इट कैन बी ऑब्जर्व द प्रीफिक्स ऑफ क्यू इन आर कैन बी एक्सप्रेस बाय ए होल स्टार विच इज द रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरपोन्डिंग टू दिजल्टेल डियर स्टूडेंट्स अभी हमने एक एग्जाम्पल देखी और उसमें इतफाक से uh, तमाम स्टेंगस जो एफ्राबेट एफ डिफाइन हो सकती हैं वो सबकी सब प्रिफिक्स ऑफ क्यू इन आर का पार्ट बन सकें मैं ये चाहूंगा कि आप अपने तौर पर खुद से सिंपल लैंग्वेज लें यानी इन्फिनिट लैंग्वेज बाद प्रॉब्लम क्रिएट करती है इन केस ऑफ क्यू और अगर वह हैं तो क्यू अगर आप इन्फिनिट ले रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज तो उसके इसमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए लेकिन एक चीज और जहन में रखें कि हमने ये भी क्लेम किया है कि नो मैटर वेदर क्यू इज रेगुलर नॉट प्रिफिक्स ऑफ क्यू इन आर वेन आर इज रेगुलर इज ऑलवेज रेगुलर तो अपनी तरफ से नॉन रेगुलर लैंग्वेज की एग्जांपल भी क्यों से लें और आर को रेगुलर लैंग्वेज लें उसका कोई एफए बनाएं और इस तरह से आप कोशिश करें कि जो भी आपने स्ट्रिंग्स ली हैं उनको टेस्ट करके प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर के लिए एफए बनाने की कोशिश करें तो मैं ये चाहूँगा कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज मैंने बहुत सी आपको बता रखी हैं पलेंड्रोम भी है उसमें और प्राइम भी एक लैंग्वेज थी ए एन बी एन भी है तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो नॉन रेगुलर हो सकती हैं और ये सारी की सारी इन्फिनेट होंगी मेक श्योर फाइनाइट लैंग्वेज कभी भी नॉन रेगुलर नहीं होती तो अपने तौर पर किसी एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज को क्यू बनाएं और एक रेगुलर लैंग्वेज आर लें और आसानी के लिए मैं थोड़ा सा हिंड दे रहा हूँ कि पैलेंड्रोम में आपको बहुत आसानी रहेगी डिफाइंड ओवर ए बी तो उसके लिए आप टेस्ट करें और उसके लिए कोशिश करें उसके प्रिफिक ऑफ क्यू इन आर बनाने की डियर स्टूडेंट्स हमारा जो रेगुलर लैंग्वेज के बारे में जो डिस्कशन थी वो यहां तकरीबन ख़त्म होती है और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है डिसाइडबलिटी और डिसाइडबिलिटी से मुराद ये है कि हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे एफ ए के बारे में कि ये इंफिनट लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है या फाइन नाइट रेगुलर लैंग्वेज के बारे में रेगुलर फेशन के बारे में दो रेगुल्सप्रेशन हैं ये आपस में इक्वलेंट हैं या नहीं कोई एफ़ए कोई वर्ड एक्सेप्ट करता है या नहीं दो लैंग्वेजेस आपस में इक्वलेंट हैं या नहीं रेगुल्सपेशन के हवाले से रेगुल्सपेशन डिफरेंट हैं लैंग्वेजेस इक्वलेंट हो जाती हैं उस एतबार से वो टेस्ट करना चाह रहे हैं सो बेसिकली डिसाइडेबिलिटी इज अ टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता थिंक नहीं कर सकता कंप्यूटर के नेवरथिंग आप उनको उसको जो कुछ देंगे उसी की बेस पर उसका रिजल्ट मिलेगा तो हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखनी है अपने ऑटोमेटा ही के हवाले से अपने डिस्कशन में ही रहकर और डिसाइडेबिलिटी को देखते हुए तो उसके लिए हमें शुरू में कुछ टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी तो आइए उन टर्म्स को भी देख लेते हैं और इस टॉपिक को भी देख लेते हैं so the first term is effectively solvable problem a problem is said to be effectively solvable if there exists an algorithm that provides the solution in finite number of steps for example finding solution for quadratic equation is effectively solvable problem because the quadratic formula provides an algorithm that determines the solution in a finite number of arithmetic operations or in operations called with 4 multiplication 2 subtractions 1 square root and 1 division now there is another term decision procedure if an effectively solvable problem has answer in yes or no then this solution is called decision प्रोसीजर पहली बात तो यह थी कि आपने इफेक्टिवली सोल्वेबल को देखा और उसको यूज करते हुए हमने डिसीजन प्रोसीजर की बात की जैसे क्वेटिक इक्वेशन का जो जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना दैट्स इफेक्टिवली सोल्वेबल बिकॉज द एलगोरिदम विच डिफाइन विच डिटर्मिन सोल्यूशन है प्रॉब्लम दैट हैज डिसीजन प्रोसीजर इज कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम for example the following problems number one the two regular expressions define the same language two regular expressions define the same language this is a decidable problem because it contains finite many steps and the answer is either yes or no number two two f a s are equivalent again this problem is decidable problem

तो हम इसको भी क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम इट मीन द आंसर इज आर ये और नो बेसिकली डेफिनेटली दो ही आंसर हो सकते हैं या येस yes no. और नो और चूंकि डिसाइडेबल प्रॉब्लम की बात कर दी सो द मेथड विच डिसाइड्स वेदर टू रेगुलर स्पेशन आर इक्वलेंट और नोट दंटेन्स फाइन एट मेनी स्टेप्स तो इसलिए एक हमने एग्जाम्पल यह दी और दूसरी वेदर टू एफ आर इक्वलेंट आपको पता है कि वेन डू यू कॉल टू एफ टू बी

whether two languages are equivalent. So, we can determine whether two languages are equivalent. Now, how can we claim two languages to be equivalent? Basically, language is a collection of string. Now, you have given two languages. If are written in tabular form, it is very simple to decide the languages are same, the? Aur, agar हमने उनको डिफाइन कर दिया है डिफरेंट वे या उनको रेगुलर स्पेशन से ही लिख दिया है सो समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लेम दैट द लैंग्वेज आर इक्वेलेंट क्योंकि उनकी जो बाज़ाहिर डेफिनेशन है वो देखने में मुख्तफ नजर आ रही होगी जब आप उनकी स्टेंग्स बनाएंगे लिखेंगे उनको टेस्ट करेंगे तो वो सेम हो जाएंगे तो सेम होने से मुराद यह है कि एवरी स्टेंग बिलोंगिंग टू द फर्स्ट लैंग्वेज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेकेंड लैंग्वेज नंबर वन नंबर टू

Both are equivalent because every string of language L1 belongs to L2 and every string of L2 belongs to L1. So, sometimes it is very simple, but sometimes when you have two languages, it is uh, not uh, easy to determine whether the languages are equivalent. So, we have to develop certain techniques. So, I use Determining whether two languages are equivalent or not, if L1 and L2 are two regular languages, then they can be expressed by FAs. As shown earlier, L1 complement, L2 complement, L1 intersection L2, L1 union L2 are regular languages, and the methods have already been developed to build their corresponding FAs. It can be observed that l1 intersection l2 complement union l1 complement intersection l2 is regular language that accepts the words which are in l1 but not in l2 or else in l2 but not in l1 dear students if body complicated structure the k just parts दरमियान में यूनियन ले रहे हैं एक पार्ट में अगर एक लैंग्वेज ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन दूसरी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट और दूसरे पार्ट में हमने इनकी इनका ऑर्डर बदल दिया देट इज इफ यू हैव L1 इंटरसेक्शन L2 टू कॉम्प्लीमेंट तो दूसरे में L2 टू इंटरसेक्शन L1 वन कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो डेफिनेटली जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं इफ यू हैव एल इंटरसेक्शन एल कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब यह है कि ऐसे स्टैंक जो दोनों को बिलोंग करती हूं यानी L1 और L2 कॉम्प्लीमेंट अब L2 कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन वो स्ट्रिंग हैं जो L2 को बिलोंग नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट सो दीज आर द स्टिंग बिलोंगिंग टू L1 वन बट नॉट एल इसी तरह से अगर मैं तरतीब बदल दूं L2 टू इंटरसेक्शन एल कॉम्प्लीमेंट सो दिस विल कंटेन द स्टिंग्स बिलोंगिंग टू एल टू बट नॉट एल वन अब अगर इनकी यूनियन कर दें तो आइजर और हो गया तो डेफिनेटली अगर ये लैंग्वेज हमने जहां स्टार्ट की थी रेगुलर थी और ये रेगुलर हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होंगे और अगर कॉम्प्लीमेंट रेगुलर हैं तो इंटरसेक्शन भी रेगुलर लैंग्वेज होंगी और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एक रेगुलर लैंग्वेज बन सकेगी और इस तरह से जो एफ ए बनेगा वो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी एल वन इंटरसेक्शन एल टू कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल टू इंटरसेक्शन एल वन कॉम्प्लीमेंट इसमें तरतीब से बदलने से फर्क नहीं पड़ता इंटरसेक्शन या यूनियन में लैंग्वेज की तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ता तो आप डेफिनेटली अब अगर ये दोनों लैंग्वेज इक्वलेंट है तो ये जो नई स्ट्रक्चर आपको बताई गई इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट मिलाकर और फिर उनकी यूनियन अगर ये दोनों लैंग्वेज इक्वलेंट है तो ये नया स्ट्रक्चर जो है ये भी एक एफ बना सकेगा इससे लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड एफ बना सकेंगे वो एफ कोई भी स्टेंग एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी वजह ये है अगर दोनों लैंग्वेज इक्वलेंट है तो उस केस में दोनों की स्ट्रिंग एक दूसरे को बिलोंग करती हैं तो पहले इसी में तो हमने कह दिया बिलोंगिंग टू एल वन बट नॉट एल टू तो चूंकि लैंग्वेज इक्वलेंट है कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं मिलेगी फर्स्ट पार्ट में इसी तरह जो दूसरा पार्ट है वो है एल टू इंटरसेक्शन एल वन कॉम्प्लीमेंट उसमें भी ऐसी कौन सी स्ट्रिंग होगी जो एल टू को बिलोंग करे और एल वन को ना करे जबकि दोनों इक्वलेंट हैं तो यहां से पता चला कि अगर हम इस स्ट्रक्चर के लिए एफ बना लें और ये स्ट्रक्चर क्या है एल वन इंटरसेक्शन एल टू कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल टू इंटरसेक्शन एल वन कॉम्प्लीमेंट मैंने आसानी के लिए दूसरे पार्ट की तरतीब बदल दी और ये जहन में रखें कि इंटरसेक्शन में लैंग्वेज की तरतीब बदलने से इंटरसेक्शन वाली लैंग्वेज नहीं बदलती तो अगर हम इस स्ट्रक्चर के लिए एफए बना लें और ये एफए कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता हो तो इसका मतलब ये है कि द लैंग्वेज आर नॉट इक्वलेंट क्योंकि इक्वलेंट होने की सूरत में दोनों पार्ट में से कोई भी पार्ट को स्ट्रिंग कंटेन नहीं करता और कॉरस्पॉन्डिंग एफ को स्टिंग एक्सेप्ट नहीं करता तो और हम ये उस स्ट्रक्चर के कॉरसपॉन्ट जो एफ बनाएंगे उसको सामने रखते हुए अगर वो एफ कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि लैंग्वेजेस इक्वलेंट हैं तो ये बात अपने जैनशीन कर लें कि इस स्ट्रक्चर को जो देखने में बाहर कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है एल वन इंटरसेक्शन एल कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल इंटरसेक्शन एल वन इसका मकसद ही यही है कि अगर लैंग्वेज इक्वलेंट होंगी तो ना ही पहले पार्ट में कोई स्टिंग आ सकेगी और ना ही दूसरे पार्ट में और डेफिनेटली यूनियन में भी कोई स्टिंग नहीं आ सकेगी और इसलिए कोरोस्पोडिंग एफए ए कोई स्टिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा आइए इसको मजीद देख लेते हैं सो वी आर लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर एल वन इंटरसेक्शन एल टू कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एल दिस इज रेगुलर लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट द वर्ड विच आर इन एल but not in l2 or else in l2 but not in l1 the corresponding fa cannot accept any word which is in both l1 and l2 that is if l1 and l2 are equivalent then this fa accept not even null string so following are the methods to determine whether a given fa accepts any word method 1 for an FA corresponding to L1 intersection L2 complement union L1 complement intersection L2, the regular expression can be determined that defines the language accepted by this FA. From that regular expression, one can determine whether this regular expression defines any word or not. Following are the steps to be followed in this regard. डियर स्टूडेंट्स आपको चूंकि बताया गया था कि वो एफ एट कॉरस्पॉन्डस टू एल वन इंटरसेक्शन एल टू कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल टू इंटरसेक्शन एल वन कॉम्प्लीमेंट इफ दैट एक्सेप्ट सर्टन वर्ड द लैंग्वेजेस आर नॉट इक्वलेंट समाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट वी आर गिवन एन एफ एंड वी आर टू डिटर्मिन वेदर दिस एफ एक्सेप्ट सर्टन वर्ड और नॉट तो इसका जो टेक्निक सिखाई जा रही है वो ये है कि अगर डायरेक्ट उसमें कोई स्ट्रिंग चेक नहीं हो सकती कि वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं तो रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली जाए समर टू राइट कोरोस्पॉ रेगुलेशन रेगुलर एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए ये तय किया जा सकता है कि वेदर डायरेट रेगुलेशन डिफाइन सर्टन वर्ड और नॉट ये बड़ा अजीब सा लग रहा है

रिमूव ऑल स्टार्स फ्रॉम द रेगुलर नंबर टू सेपरेट द राइट पार्ट ऑफ प्लस एंड द प्लस साइन इटसेल्फ। अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दिए डेफिनेटली उसमें स्टार्स और प्लस हो सकते हैं तो पहले स्टार्स को रिमूव कर लें और फिर जहां जहां प्लस आ रहे हैं उनमें से राइट पार्ट सेपरेट कर दें और जो प्लस उसको रिमूव कर दिया जाए आइए इसको देखते हैं द रेगुलरपेशन दस ऑबटेन If contains at least one word, then the language is not empty, otherwise, the language is empty. Following an example to find uh, the emptiness of this L 1 intersection L2 complement union L1 complement intersection L2 using its corresponding regular expression. For regular expression A plus null string into A star b

और इस रेगुलर स्पेशन जो स्पोज किया है हमने इससे देखना ये चाह रहे हैं कि यूजिंग द मेथड डिस्कस्ड अर्लियर वेदर वी कैन जनरेट सर्टेन स्ट्रिंग और नॉट सो वी आर फॉलोइंग दो स्टेप्स नंबर वन आफ्टर रिमूविंग ऑल स्टार्स द रेगुलर स्प्रेशन विल बी ए प्लस नल स्ट्रिंग ए बी प्लस बी ए ए प्लस नल स्टिंग यह पहला स्टेप था आफ्टर सेपरेटिंग द राइट पार्ट फ्रॉम प्लस

ये सेपरेट कर दिए वी आर लेफ्ट विद ए हर द रिजल्टेंट स्ट्रिंग बिकम्स ए ए बी एज इट्स वर्ड सो दिस लैंग्वेज इज नॉट एम टी दिस रिमार्क समटाइम्स वाई आर डिटर्मिनिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन एफए, इट इज इम्पॉसिबल टू राइट इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल एफ ए आप देख रहे हैं ये एक ऐसा एफ है जिसमें फाइनल स्टेट नहीं है और अगर फाइनल स्टेट नहीं होगा तो इसके लिए आप रेगुलेशन नहीं लिख सकते नंबर टू दे इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एफ़ए फॉर विच इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट रेगुलेशन आप देख रहे हैं कि डिस्कनेक्टेड एफ़ए, और इसमें भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है इवन टू को आप फाइनल स्टेट कर भी दें तब भी ये एफ ए एक्सेप्ट नहीं करेगा नंबर थ्री यू कैन सी दिस एफ एट कंटेन्स फाइनल स्टेट बट देर इज नो पाथ linking one initial state to final state. So these are three possibilities for an FA accepting nothing. So second method is to examine whether a certain FA accepts any word it is uh, required to seek the path from initial to final state but in large FA, large FA, FA having large number of states with thousands of states and millions of directed edges without an effective procedure, it is uh, impossible to find a path from initial to final state. so we have certain procedure. dear students, x-ray, beta, k, r, e, f, z, m, determine can not be mustile, k, q, string except for and not indirectly, because that x-ray may have uh, thousands of states and millions of ta transition edges. so it's very, very complicated. To determine uh, to check whether there exists certain path from initial to final state, so we claim that we have certain uh, procedure which contain finite many steps and gives you the answer. Okay, yes, this FA accepts certain word or not. So, Iye method ko So, this is method two basically. So, the procedure is mark the initial state number one, number two for every marked state. फॉलो ईच एज दैट लीड्स आउट ऑफ इट एंड मार्क द कनकेटिनेटेड और कनकेटिटिंग स्टेट एंड डिलीट दीज एज मैं दोबारा बता देता हूं कि आप इनिशियल स्टेट को मार्क करेंगे इनिशियल स्टेट से जो आउट गोइंग ट्रांजेक्शन हैं उनको फॉलो करेंगे जिन स्टेट्स को वो मिला रही हैं जिन स्टेट की तरफ जा रही हैं उनको मार्क कर देंगे और उन ट्रांजेक्शंस को रिमूव कर देंगे नंबर थ्री

मैंने यहाँ तीन स्टेप्स बताए आपको कि आप इनिशियल स्टेट को मार्क करें उसकी आउटगोइंग गोइंग को फॉलो करें जिस तरफ वो जा रही हैं उसको मार्क कर दें मेक श्योर लूप इज आल्सो स्पोज टू बी आउटगोइंग ट्रांजिशन, और मार्क करने के बाद उन दोनों ट्रांजेक्शन को अगर दो लेटर हैं तो दो ट्रांजक्शन होंगी और अगर दो से ज्यादा हैं तो विल बी हैविंग एज मैनी ट्रांजेक्शन एज मैनी लेटर्स इन इट्स अल्फाबेट उन सबको रिमूव कर दें और फिर वही स्टेप बाय स्टेप जो मार्क स्टेट्स हैं उनके प्रोसीजर आप रिपीट करें एंडल यू हैव नो न्यू स्टेट टू बी एनी ऑफ द फाइनल स्टेट इज देन दैट एफए विल एक्सेप्ट आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं सो दिस इज एन एग्जांपल सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द एफ ए इज गिवन बिलो वेदर इट एक्सेप्ट स्टेंग और नॉट तो ये आपके सामने नजर आ रहा है मैथड हम अप्लाई करते हैं हम इसको मार्क करता हुआ देख रहे हैंज है हैं। एक ए और एक बी ए तरफ जा रही है और बी टू की तरफ सो वी हैव टू मार्क टू एंड थ्री एंड विल बी रिमूविंग ए एंड बी ट्रांजेक्शन एज वेल विच वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड ये आपने देख लिया के हमने इन दोनों को मार्क कर दिया और ये दोनों ट्रांजेक्शन रिमूव कर दी गई नो इट्स द टर्न ऑफ स्टेट टू इसकी बारी है स्टेट टू को हमने प्रोसेस करना है स्टेट टू की आउट ट्रांजिशन हमने देखनी है वो दोनों एक ही तरफ जा रही थी और थ्री की तरफ थ्री को मार्क करना था विच हैज ऑलरेडी बीन मार्क्ड उसको मार्क कर दिया गया और इसको नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखेंगे कि ये ट्रांजेक्शन रिमूव कर दी गई यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रांजेक्शन टू से थ्री वाली रिमूव कर दी गई अब थ्री की आउटगोइंग ट्रांजिशन दो हैं एक ए के लिए थ्री की तरफ है एक बी के लिए बी फोर की तरफ जा रही है दोनों को मार्क करने थ्री ऑलरेडी मार्क हो चुका है फोर को हम नेक्स्ट स्टेप में मार्क करेंगे और इन दोनों ट्रांजेक्शन को रिमूव कर देंगे ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमने फोर को भी मार्क कर दिया और ये दोनों ट्रांजेक्शन रिमूव कर दी अब लास्टली वी हैव टू प्रोसेस स्टेप फोर स्टेप फोर की दो ट्रांजेक्शन है एक ए और बी ए फोर की तरफ आ रहा है और बी थ्री की तरफ जा रहा है ये दोनों स्टेट्स ऑलरेडी मार्क हो चुकी हैं अब इन दोनों ट्रांजेक्शन को आप नेक्स्ट स्लाइड में रिमूव होता हुआ देखेंगे ये आपने देख लिया नो वी कैन सी दैट नो फाइनल स्टेट इज मार्क दिस एफ नो स्टिंग एज आफ्टर अप्लाइंग मेथड टू फाइनल स्टेट नो फाइनल स्टेट इज मार्क दिस एफ कंटेन जस्ट वन फाइनल स्टेट तो हम कह सकते हैं कि फाइनल स्टेट इज नॉट मार्क्ट हैंस दिस एफ ए डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्टिंग ये स्टूडेंट अभी एक मैथड बड़ा कंस्ट्रक्टिव मैथड था और फर्स्ट टाइम डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मे भी थोड़ा सा मुश्किल लगे इट्स नॉट सो डिफिकल्ट लेकिन टेक्निक बड़ी सिंपल है कि आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें उसकी आउट गोइंग ट्रांजेक्शन को फॉलो करें जिन स्टेट की तरफ जा रही है उनको मार्क कर दें इनिशियल को पहले मार्क करने और उन ट्रांजेक्शन को भी रिमूव कर दें और ये स्टेप आप मार्क् स्टेट पर रिपीट uh, करें अंटिल नो न्यू स्टेट इज मार्क्ड और इफ अ फाइनल स्टेट एनी ऑफ द फाइनल स्टेट हमारे इस एग्जांपल में एक ही फाइनल स्टेट थी वो मार्क नहीं हो सकी तो इस तरह से हम क्लेम कर सकते हैं हमने टेस्ट बेसिकली ये जो प्रोसीजर था इसको हमने नोन एग्जाम्पल पर टेस्ट किया हमेशा जब भी कोई मेथड डेवेलप किया जाता है उसको नोन एग्जाम्पल पर टेस्ट किया जाता है ताकि हमें ये पता हो कि उसका आंसर क्या है और वो मैथड वही रिजल्ट दे जो हम चाहते हैं तो इसलिए हमने ऐसे एफ ए को लिया विच डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्टेंग उसके लिए कोई पाथ नहीं था इनिशियल से फाइनल के लिए देर वॉज अ फाइनल स्टेट बट देर वॉज नो पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल हमने उस मेथड के जो स्टेप्स थे थ्री स्टेप्स हमने डिस्कस किए उन तीनों को ही अप्लाई किया एंड वी ऑब्जर्व दैट

खत्म होते आइए आज का सम अप देखते हैं हमने एक थेरम प्रूव किया कि प्रिफिक्सिज ऑफ क्यू इन आर इज रेगुलर इफ आर इज रेगुलर नो मैटर वेदर द लैंग्वेज क्यू इज रेगुलर और नॉट और इसके लिए हमने एक आ, प्रोसीजर बताया कि सिंस आर इज रेगुलर लैंग्वेज सो देर एग्जिस्ट सर्टन एफ फॉर दैट लैंग्वेज और वी विल पिकिंग डिफरेंट स्ट्रिंग्स एंड विल बी अपलाइंग दो स्ट्रिंग्स टू सर्टन स्टेट अब किसी भी स्टेट से आप स्टार्ट करें उसके एफए की और अगर एक भी स्टेंग टेट स्टार्ट फ्रॉम द गि स्टेट एंड एंड अपन ऑफ द फाइनल स्टेट देन दैट स्टेंग एक्चुअली प्लेज रोल इन डिफाइनिंग प्रिफिक् इन आर और हम उस स्टेट को फिक्स कर लेंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे उसको मार्क कर लेंगे और यह प्रोसीजर एफ ए की तमाम स्टेट पर बारी बारी अप्लाई करेंगे यानी अगर एक भी स्टिंग क्यू से ऐसी मिल जाती है जो उस स्टेट को जिसको आपने डिसाइड करना है कि मार्क करना या नहीं उस स्टेट से स्टार्ट करें किसी एक फाइनल पर एंड हो जाए तो एक भी स्टिंग ऐसी मिल गई हम उसको मार्क कर देंगे सो विद हेल्प ऑफ गिवन एफ ए जनल स्टेट इनिशियल स्टेट वही रहेगी माफ स्टेट को फाइनल स्टेट करेंगे और जो ओरिजिनली फाइनल थी उनको नॉन फाइनल स्टेट कर देंगे सो द एफ एस एपटेन एग्जैक्टली एक्सेप्ट द लैंग्वेज प्रीफिक्स ऑफ क्यू इन आर ये हमने डिसाइड uh, किया, uh, किया और क्लेम किया और उसको प्रूव किया और एक रिमार्क आपको दिया गया कि इफ द लैंग्वेज क्यू कंटेन इनफिनिट मैन स्टेंग सो समाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट इन्फिनिट मैनेजिंग फॉर सर्टन स्टेट बाद में हमने इफेक्टिवली सोल्व ए प्रॉब्लम को डिफाइन किया क्योंकि डिसाइडेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया हमने उसमें हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की इफेक्टिवली सोल्व ए प्रॉब्लम की बात की द प्रॉब इज सेट टू बी इफेक्टिवली सोल्वेबल इफ इट हैज सोलूशनेंटल स्टेप्स फिर हमने डिसीजन प्रोसीजर की बात की कि इफेक्टिवली सोल्वेबल का जो सोल्यूशन है अगर येस या नो में हो सो दैट विल बी डिसीजन प्रोसीजर और लास्टली हमने डिसाइडेबल प्रॉब्लम जिसमें हम जिसका आंसर yes no येस और नो में हो और फाइनेट मेनी स्टेप्स में हम उसको सॉल्व कर सकते हो सो सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम उसकी एग्जांपल्स में हमने क्लेम uh, किया टू रेगुलर स्पेशन वेदर द गिवन रेगुलर स्पेशन आर इक्वल डिसाइडेबल प्रॉब्लम टू एफ आर इक्वलन टू लैंग्वेज इक्वलेंट ये हमने डिस्कस किया मजीद डिस्कशन इंशाला जारी रहेगी स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं अख्ताम पजी होता है अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़ दीजिए खुदा हाफिज